इसका कोई मतलब बना तो मतलब ऐसा लग रहा था फेंक के मारू तो किसी का सर भी फूट सकता है। शायद पिछले जन्म में मैं सुअर थी। तो सबसे पहले हम लिट्टी बना रहे हैं। हाँ, आज हमारे घर का टिफिन है ये। आप लोगों को पता है चीट का मतलब क्या है? और जो लोग कीटो डाइट करते हैं और वो शुगर नहीं खा सकते, ये उसका रिप्लेसमेंट है। ज्यादा दाल देंगे ना तो छाने के टाइम वो टूट जाएगा। कैमरा से देख रही थी, पापा सुबह 4 बजे उठ के बिस्किट खा रहे थे। मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं बना लिया, अच्छा लगा। This is saying, why not listen from the horse's mouth? उसको अगर हिंदी में कहे कि घोड़े के जवानी क्यों नहीं सुन लेते, इसका कोई मतलब बना? लेकिन मतलब ये है कि इससे पहले मैंने एक बार लिट्टी चोखा बनाया था, लिट्टी चोखा जैसा कुछ, क्योंकि उसको मैंने अपने तरीके से पूरा रिडिफाइन किया था। उसको आग में ऐसे करके कुछ को जलाया था और कुछ को अवन में डाला था। जो अवन में डाला था उसको तो मतलब ऐसा लग रहा था फेंक के मारू तो किसी का सर भी फूट सकता है। इसीलिए आज जो मैं बनाने बैठी हूँ, ऑब्वियसली आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं बनाने बैठी हूँ लिट्टी चोखा और ठेकुआ। मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है बात करते करते। इस बार जो बनाऊंगी वो ऑथेंटिक बनाऊंगी, क्योंकि मेरी बिहारन सासू माँ मेरे साथ है और उनके साथ बनाऊंगी। वो मुझे इंस्ट्रक्शन देंगी टिपिकल सासू माँ स्टाइल और मैं डरती हुई बहू स्टाइल नहीं बनाऊंगी। डरने से गंदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सासू माँ डर रही है क्योंकि मैंने एकदम किचन छोड़ के बालकनी में आके बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि किचन इज ए रनिंग किचन। अचानक बच्चे उठ जाएंगे, उन लोग को भूख लग जाएगी, सब छोड़ के उन लोग के लिए खाना बनाना पड़ेगा, यू नो लाइक इवनिंग स्नैक एंड ऑल। बट हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, आज का वीडियो का मकसद ये है। गुरु बोलता है कि वो दो छोटे छोटे बिहारन है तो, लेकिन उन लोगों ने बिहारी डिश कभी टेस्ट नहीं किया, तो आज हम पहली बार उन लोगों को एक बिहारी डिश टेस्ट कराएंगे। ऑब्वियसली फॉर हेल्थ रीजन मैदा को हम लोगों ने आटा से रिप्लेस कर दिया है, और मतलब मैं हूँ तो थोड़ा बहुत तो ये सब मतलब कीड़े करूँगी, और सासू माँ से फुल परमिशन भी मिल गया है कि हाँ ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा जितना हेल्दी बना सकते उतना बनाएंगे, बट वो जो एयर फ्रायर एंड ये सारी चीज़ें इस बार नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू रिटेन ऑथेंटिसिज्म। जो फ्राई करना है वो फ्राई करेंगे, बट हम अच्छे तेल से फ्राई करेंगे, घर पे करेंगे। एटलीस्ट बाहर से खरीदा हुआ से तो कई गुना हेल्दी होगा, और एक खाने से क्या ही जाता है। अच्छा, बिफोर लोग ये बोले कि इतने टाइम से मैंने ये वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जब से मेरी सासू माँ आई है बीमार 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 चल रही है। अभी वो बहुत ठीक है, विथ ऑल योर बेस्ट ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन, और अंदर से भी शी इज फीलिंग फाइन। सो थैंक यू सो मच कि आज हम एकदम फ्रेश एंड हैप्पी फील कर रहे हैं और यहाँ पे आके बैठे हैं। इससे पहले कि दोनों को चक्कर आ जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा सर के पीछे गर्म हो रहा है और आई कैन सी हर स्वेटिंग, बट पर आपको पता है मुझे पसीना नहीं आता है। हाँ, क्यों पता? क्योंकि शायद पिछले जन्म में मैं सुअर थी। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। नहीं नहीं, मुझे भी सुअर को पसीना नहीं आता है। हाँ, मुझे पसीना नहीं आता। इतने सालों के बाद पहली बार उनको पता चला कि मुझे पसीना नहीं आता। शूटिंग में पिच पिच करके मुझे पसीना देना पड़ता है। सासू माँ के साथ पीजे सुनते सुनते आप हमारा लिट्टी चोखा भी देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लिट्टी बना रहे हैं। हाँ, तो लिट्टी के लिए सत्तू को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं हमें क्या क्या जरूरत है। आटा, सत्तू, ऑब्वियसली द मेन इंग्रेडिएंट है सरसों का तेल, अदरक का पेस्ट, नमक, अजवाइन, लहसुन, प्याज और थोड़ा सा पानी। और लहसुन अजवाइन को भी मम्मी ने ये कर लिया, कढ़ाई में थोड़ा सा ड्राई फ्राई कर लिया ताकि ये रगड़ा जाएगा, ये मला और इससे अच्छे से फ्लेवर आएगा। और बनाऊंगी मैं, आप मुझे कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, ताकि आप अगर बैठ के खाने को मन करे और बिना इंस्ट्रक्शन दिए मैं तब बना के ला सकूं। वाओ, आज हमारे घर का टिफिन है ये। ऐसा ना हो कि बकर बकर करते करते टिफिन टाइम के बाद ये रेडी हो। सत्तू में क्या डालूं? अजवाइन। अच्छा, अजवाइन ऐसे रगड़ के? ओ वाओ, ऐसे तो मैंने देखा है लोग खैनी रगड़ते हैं, ऐसा वाला टाइप का ना। ये तो धोती खोल रहा है। हां, इससे इतना मस्त फ्लेवर आ रहा है। इसको रखते जाइए और प्याज दीजिए। प्याज पूरा आधा दीजिए। कितना प्याज है इसमें? दो प्याज है।
अच्छा, दो प्याज का आधा हम लोग डाल रहे हैं। हाँ, इसमें अभी ये भी आधा हाँ। ओके, आधा दे देती हूँ। और अदरक लीजिए एक स्पून। हाँ बस, नमक स्वाद अनुसार लीजिए। सेंधा नमक है ना, तो इसमें ज्यादा नमक नहीं होता है। अभी सरसों का तेल है, 4-5 स्पून दे दीजिए। इंग्रेडिएंट जब हम तैयार कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि यू नो द ऑथेंटिक लिट्टी बनाने के पीछे का सीक्रेट ये है कि हम उसमें ऑलमोस्ट पानी यूज नहीं करते हैं। तो इसको करते अपने अच्छा, गीला हो जाएगा। अच्छा, तो बस इसको बस हम लोग मिक्स कर रहे हैं। मिक्स कर रहे हैं। इसमें हम आमचूर का तेल भी डाल सकते हैं। हाँ, खट्टा भी डाल सकते हैं। वो सॉरी भूल गई। मैं तो टेस्ट के हिसाब से बोल रही हूँ, देख नहीं रहे हैं? जब से बनाने बैठी हूँ बोल भी रही हूँ, मेरे मुंह में थूक आ रहा है। लग रहा था कुछ कम है। डाइट का खाना खाते खाते और जब से आई है इनको भी डाइट का खाना खिलाते पतली हो गई। 4 kg वजन कम हुआ मेरा। वाओ, देखिए सिर्फ खाने से। हाँ। और थोड़ा बहुत ऑब्वियसली वॉक तो करना ही पड़ता है। ये बाबू खाएंगे ना तो इसलिए मिर्ची नहीं देंगे। नहीं, मिर्ची भी देते हैं। अजवाइन का तीखा अच्छा, बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक है, एकदम बैलेंस बैलेंस। हाँ, थोड़ा मिक्स और करिए, कहीं नमक लगा कहीं। अच्छा, तो एक चीज जो हम भूल गए थे स्टार्टिंग में वो है आमचूर पाउडर। तो आमचूर इतना ही दे दूं, आधा, ठीक है? इसमें मिर्ची भी पड़ता है और थोड़ा मसाला भी पड़ता है। कौन सा मसाला? अचार का मसाला। हाँ, अचार का तेल या तेल, अचार का तेल। हाँ, ये तेल के बदले में हम अचार का तेल भी रहता है ना, वो दे सकते। क्योंकि एक्चुअली घर में अचार खाता ही नहीं है, तो है नहीं, तो घर में जो है वही उसी से कर रहे हैं। आपके घर में अचार का तेल है तो आप डाल सकते हैं, पर मिर्ची नहीं डाल रहे क्योंकि बच्चे खाएंगे। हाँ, बच्चे खाएंगे। याहू, काफी अच्छा हो गया। मेरी नानी बनारस में पली बड़ी थी, पैदाइश कोलकाता की थी लेकिन बनारस में पली बड़ी थी। तो वहाँ के यूपी का एक वो डिश होता है, भौरी बोलते हैं, भौरी। तो उसमें आटे, मतलब ये जो आटे के अंदर ऐसे ही सत्तू का मसाला बना के फिर उसको बनाते हैं, फ्राई कर करके खाते हैं। हम बचपन से मतलब खाते थे। अच्छा, और देखा जाए तो बंगाल और बिहार का कल्चर एकदम नजदीक नजदीक ही है ना। उस दिन भी हम लोग क्या बोल रहे थे कि इसका क्या मतलब है, लोग नहीं समझेंगे, लेकिन मुझे समझ में आ गया क्या था वो। हाँ, चीट। अच्छा, चीट। आप लोगों को पता है चीट का मतलब क्या है? हमें पता है, जब थोड़ा सा दिमाग सही तरीके से नहीं चलता है और मतलब अलग अलग थलग कुछ सोचता है तो बंगाली में बोलते चीट हो जे, बिहारी में भी बोलते चीट हो जे। तो ये रेडी हो गया, इसको साइड रखे। हाँ, देखिए हमारा जो फिलिंग है वो रेडी हो गया है। अब हम लिट्टी के अंदर जो भरेंगे वो तैयार हो गया। हाँ, लिट्टी के अंदर जो भरेंगे वो तैयार हो गया। मतलब आंटी मुझे सिखा भी दे रही हैं कि मुझे अभी बोलना क्या है सही तरीके से। इसमें हम लोग गूंदेंगे आटा। हाँ। हम ये जो अंदाजन है ये कितना लिया है? मैं दो छोटी कटोरी से, दो कटोरी आटा। इसमें 10-15 बन जाएगा। सबके सामने बना रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग अनहेल्दी। छोटा छोटा बनाएंगे 15-20 भी बन जाएगा। इसमें पड़ेगा नमक बिल्कुल कम, क्यों उसमें भी नमक है ना। अच्छा, बस 5 उसमें है। और ये भी रगड़ करके दे दीजिए वापस से। ये है सरसों का तेल। एक सरसों का तेल, मुझे लगता है ये बंगाल और बिहार यही दोनों जगह पे लोग एकदम बिंदास हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली। एंड दिस इज वेरी हेल्थी ऑल्सो, क्योंकि बचपन से मैं ये सुनती थी सरसों का तेल जमता नहीं है, दूसरा कोई भी तेल यू नो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, सरसों का तेल का जो मतलब क्वालिटी है वो जम नहीं जाता है, तो इसीलिए वो हार्ट पेशेंट खा सकते हैं। बहुत बचपन से मेरे पापा हार्ट के पेशेंट थे तो हम लोग हमेशा डिकोड करते थे कि कौन सी तेल से बनाने से हेल्थी हो सकता है। पानी से हल्का हल्का सा। हाँ। इससे भी इतना सुंदर एक खुशबू आ रही है, यू नो सरसों का तेल का, अजवाइन का, नमक का, इट्स ऑलरेडी स्मेलिंग सो यम्मी। छोटे छोटे गोनी बनाऊंगा। तो अभी हमारे पास है आटा गोना हुआ
और आटे का अंदर भरने के लिए ये पूर और सरसों का तेल, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मतलब ताकि हाथ में चिपक ना जाए। तो इसको हमें बहुत ज्यादा छोटा नहीं बनाना, नहीं तो फिर हम अंदर भर नहीं पाएंगे। पहले गोल बनाओ, फिर उसको बना लो कटोरी, जितना भरे हैं कि वो बाहर ना निकले, यानी ज्यादा दे देंगे तो बाहर निकल जाएगा। इसी को ही फ्राई करेंगे ना, इसको बेलना तो है नहीं, नहीं। तो फिर टेंशन नहीं है, बेल लेंगे तो सत्तू पराठा हो जाएगा, सत्तू का पराठा हो जाएगा, भौरी भौरी जो मेरी नानी बनाती थी। हाँ। नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन उतना भी अमेजिंग दिखने में नहीं हो रहा है जितना आपका हो रहा है, एकदम क्लियर टाइप का। पर इस बात का टेंशन नहीं है, इसको बेलना नहीं है, इसको जितना पतला कर सकते हैं, अच्छा टेस्टी लगेगा। हाँ हाँ, तो आटा आटा कम आएगा इसका, वो फिलिंग ज्यादा आएगा। ये हो जाने के बाद हमें इसको बस फ्राई करना है, जिसको आप बोलते हैं कि छान लेना। एक बार हम लोग फ्राई करेंगे, बिकॉज जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान 10 खा ले तो तब वो खाने से अनहेल्दी माना जाएगा, इतना सारा फ्राइड स्टफ, बट एक तो खाया जा ही सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ये हम बाहर का खरीदा हुआ, यू नो, एक जला हुआ तेल में बहुत देर से दुकान में बनाते रहते हैं ना कभी कभी, यू नो, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं कि बाहर से एक ही बार तेल में 10 बार छानता है। हाँ, तो वो तेल बहुत हार्मफुल हो जाता है। तो एक चीज आप याद रखिए, घर पे भी अगर आप फ्राइड स्टफ खाना चाहते हैं तो आप जरूर खा सकते हैं। घर पे जब बनता है तो हमें पता है कि वो तेल एक ही बार जला है, और मतलब एक ही बार यूज हुआ है, और बाकी जो तेल है वो थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के, पत्थर रख के आपको फेंक देना पड़ता है, उससे उसको रीयूज नहीं करनी चाहिए। ऐसे फिर इसको घुमा दिया पकड़ करके। अच्छा, मैं उसको थोड़ा झुरझुरा रख रही थी, आप उसको बनाते टाइम उसको ऐसे ऐसे करके बना। अच्छा, थोड़ा दबा के चपटा कर रहे थे। ओ हाँ, फिर उसको पहले आप ऐसे कर लीजिए, इसके पकड़ लीजिए, पकड़ के रखेंगे, इसको घुमाते जाएंगे, ये भी घूमेगा वो भी घूमेगा। अरे वाह, ओ हाँ, नॉट बैड, बिल्कुल। ये सत्तू भी एकदम खत्म हो गया, मतलब बिल्कुल ना बचा ना घटा। हाँ, एकदम परफेक्ट हो गया। एक तरफ जहाँ हम लोग फ्राई करेंगे, दूसरी तरफ साथ साथ में मैं हम लोग चोखा भी बनाने लग जाएंगे। देख लिया, लिट्टी बनाना वाज लाइक रियली रियली इजी, एकदम बाएं हाथ का खेल है। आपके बाएं तरफ अगर मेरे जैसे टैलेंटेड बहू बैठे तो एक्चुअली आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, बट नो, ऑन अ सीरियस नोट, आपने बहुत इजीली सिखाया तो बहुत आसानी लगा। अभी हम लोग चोखा करेंगे। मुझे एक्चुअली आइडिया था चोखा मतलब आलू का होता है, बट ये आलू का नहीं, बैगन का चोखा हो रहा है। आपको चाहिए बस एक बैगन और टमेटो। तो बैगन को पहले आग में जला लिया है, सो ये भी बहुत हेल्थी है, फ्राई नहीं किया है, और टमेटो को भी आग में जला के आई थिंक छिलका निकाल लिया है। अब क्या करना, बस सबको मिला देना, मिक्स करना है। प्याज, नमक और ये भुंजा हुआ सूखी मिर्ची, इसको भी आपने जला लिया, बट एवरीथिंग इज जस्ट बर्न्ट, तो इसमें कहीं पे कोई मुझे तेल की गुंजाइश नहीं दिख रही है। सरसों का तेल देंगे, नहीं लाया कोई मां, सरसों का तेल थोड़ा, अच्छा सरसों का तेल फॉर द फ्लेवर। बस सबको ऐसे करके मिला देना। वाओ, सेटिस्फेक्शन है, पता है, हाथ से कुचलने का। इसमें डालना है नमक, सिंधा नमक है, और प्याज, प्याज
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें डालेंगे सरसों का तेल, थोड़ा सा हम लोग निकाल लेंगे लियाना दिविशा के लिए, बिकॉज जो मेन मकसद है वो ये है कि लियाना और दिविशा खाए, टेस्ट करके देखे। बच्चों के लिए पहले निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग डाल देंगे उसमें लाल मिर्ची जो ये भुना हुआ है और हरी मिर्ची, क्योंकि बड़े तो खा सकते हैं हरी मिर्ची। ठीक है, खट्टापन आया। चलिए मैं थोड़ा सा ये लियाना दिविशा के लिए मैंने ये उठा के रख दिया, बीस पे मैं ये मिर्ची डाली। अच्छा, सरसों का तेल का फ्लेवर आया बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से, ये भी हो गया। अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं ठेकुआ, बिकॉज लिट्टी चोखा बना रहे हैं और मीठा कुछ ना हो तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, और मैं इसीलिए भी बना रही हूँ क्योंकि हम लोग बनाने जा रहे हैं लाइक द रियल हेल्थी वर्जन ऑफ ठेकुआ, जो बच्चे भी खा सकते हैं और आंटी और मेरे पापा भी खा सकते हैं, दोनों को थोड़ा थोड़ा डायबिटीज है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा, तो आप खा सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि आपने जो रेसिपी बोली उसको मैंने थोड़ा सा ट्विक किया और जो शक्कर है उसके बदले में मैं यूज़ करने जा रही हूँ मॉन्क फ्रूट स्वीटनर। वैसे मॉन्क फ्रूट स्वीटनर का एडवर्टीजमेंट नहीं है, बट दिस इज लाइक इट्स अ स्वीट थिंग, लेकिन स्टीविया का जो एक कड़वापन आता है उसमें ये कड़वापन नहीं है, और जो लोग कीटो डाइट करते हैं और वो शुगर नहीं खा सकते ये उसका रिप्लेसमेंट है। ठेकुआ जो बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए आटा, क्योंकि मैदा यूज नहीं करते, वैसे मैदा मैदे के भी बनाते हैं, तो दिस इज लाइक अ हेल्थी कुकी। उसमें जाएगा सूजी, ये है कूटा हुआ इलायची, यहाँ पे थोड़ा सा है किशमिश कूटा हुआ, और ये है ड्राई फ्रूट पाउडर कूटा हुआ, ये मेरे घर में हमेशा ही होता है, बच्चे रेगुलरली खाते हैं तो वो, और थोड़ा सा नारियल कीरा हुआ, पहले सूजी को मिला। हाँ, ठीक है, सूजी थोड़ा सा कम दिख रहा है आटा से, बट शायद इसी प्रोपोर्शन में करते हैं। इस पे हम लोग मिलाएंगे ये इलायची पाउडर पूरा। हाँ, पूरा ये मिक्स मसाला, ड्राई फ्रूट पाउडर, किशमिश कटा हुआ, कटे हुए किशमिश, नारियल, ये इतना नहीं दे सकते, और लास्ट में जाएगा द हीरो इंग्रेडिएंट घी। इसमें अभी हम डालेंगे घी, ज्यादा डाल देंगे ना तो छाने के टाइम वो टूट जाएगा, मतलब ज्यादा मयान हो जाएगा। और जो हम डालना भूल गए जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बोला वो ये है, ये शक्कर जैसा दिखता है पर ये शक्कर बिल्कुल नहीं है, और ये मॉन्क फ्रूट है और इससे कीटो वाले डेजर्ट बनता है। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा देना, पूरा ही डाल दीजिए, क्योंकि ये ना थोड़ा कम मीठा करता है, बिस्किट की तरह लगेगा, मतलब हल्का मीठा वाला बिस्किट। मैंने कहा था आप लोगों को जब मैं कोलकाता गई थी, कैमरा से देख रही थी, पापा सुबह 4 बजे उठ के बिस्किट खा रहे थे, कहाँ से बिस्किट खरीद के लेकर आए या पता नहीं कहाँ से जुगाड़ किया। काफी टाइम से सोच भी रही थी कि घर पे कैसा कुछ रख सकते हैं बिस्किट जो खा सकते हैं ना, आप भी खा सकते हैं, सब लोग खा सकते हैं। ये थोड़ा कम लग रहा है, बाकी भी डाल देते हैं। अभी ये सब कुछ अच्छे से मिल मिला गया है, थोड़ा सा पानी देके अभी इसको हम लोगों को ज्वाइन कराना है, थोड़ा 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 करके। इसमें जब भी देते हैं पानी ऐसे कर करके डायरेक्ट गिराएंगे एक जगह पर, हाँ, तो उस जगह उधर पी लेगा वो आटा। मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं बना लिया, ऐसे 2000 बिस्किट तो नहीं बनेगा एक महीने का कोटा। वैसे तो ये गोल गोल हाथ से बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, बट बच्चों को अपील करने के लिए मैंने ऐसे स्टार शेप का बनाया। यू नो, अगर बना रही हूँ लिट्टी भी लेकिन मामी भी, तो कुछ पंचिंग होके नया मसाला तो निकलना ही चाहिए। बन गया है, देखो तुम बनाओगे स्टार। हाँ, तुम बनाओगे, कैसे बनाओगे देखोगे, मम्मा पहले इसको फ्लैट कर देगी। लियाना चलो लेकर ना, इसे स्टार बनाओ, प्रेस करो लियाना, चाय पुंगुनी लियाना, ये खाओ, ये पका हुआ, इट्स अ हॉट स्टार, इट्स अ हॉट स्टार।
मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। ये कच्चा लिया ना, इसको देखो चाचू जाके ऐसे करके फ्राई कर रहे, फिर ये बन रहा है स्टार। क्या हुआ, गरम? ये देवीना ने बनाया, मैं सिर्फ बताई हूँ, उसने सारा मेहनत उसी ने किया। अब टेस्ट करके देखिए कैसा लग रहा है, बिहार का लिट्टी चोखा। ये चोखा है और ये इसके साथ प्याज और हरी मिर्ची, एक साथ ही खाना चाहिए। मैं कड़क कूद के लेता हूँ। कैसा लगा? सॉफ्ट हुआ है ना? सच में अच्छा हुआ। अभी आप बैठ करके और जितना मर्जी हो उतना खाइए। बाबू ये अच्छा लगा, इसके लिए जो चोखा बनाया अच्छा, ये ज्यादा अच्छा लगा। ओके ठीक है, अच्छा लगा। देखिए हमने तो लिट्टी चोखा बनाना सीख भी लिया, आपको सिखा भी दिया। आपने अगर इसको देखिए कभी भी बनाया, वीडियो तो रहेगा, तो मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा। तो नए नए जो भी कमेंट्स आते हैं मैं वो भी पढ़ती हूँ। पॉइंट आउट कर करके खा रही है, नॉट बैड, हम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया। चल बेटा, है देखो उसको। वो नहीं खा पाओगी, इसको पकड़ के खाओ, ये लो। Yummy, yummy, yummy. इतना सक्सेसफुली ठेकुआ लिट्टी चोखा बना के, और वो भी इतना हेल्थी, इतना सेटिस्फेक्शन हो रहा है, टेस्टी अलग। पापा ने खा लिया, खा के बोला मेरा डिनर हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत हैवी है। मुझे लगता है ये हमारा डिनर है। मुझे लगा था यू नो तब अच्छा बना पाऊंगी कि नहीं, फ्राई करने के बाद कैसा होगा, बट इतना मतलब ऑयली ऑयली भी नहीं लग रहा है, और सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि घर पे बना हुआ है, सो इट्स ऑल फाइन। आपको मुझे सिखा के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहू सीख रही है, और बहुत अच्छा आपने बनाया, केवल मैं बताती गई और इतने अच्छे से आपने बनाया, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी के साथ वीडियो को फिनिश कर रही हूँ। प्लीज़ लिख के भेजिए, हाउ डिड यू लाइक इट, एंड Don't forget to like, share and subscribe to Devina Digicos.